हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है। मॉमीज, आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं? आपके कमेंट्स हमें आते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के, अपनी कंफ्यूजन्स के हमारे एपिसोड्स के जरिए जवाब मिल रहे होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकेगा तो हम उस पर एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं मॉमीज। हम एपिसोड कर रहे हैं मिथ्स पर। जी हाँ, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत से लोग, इवन हमारे परिवार वाले, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे वेल विशर्स कहते हैं आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको ऐसे नहीं बैठना, आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ खाना है, ये चीज़। इतने सारे मिथ्स होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। हमारा मन होता है कुछ खाने का लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होती है। इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज का एपिसोड है। चलिए सबसे पहला मिथ की बात करते हैं। सबसे पहले, आप प्रेग्नेंट हैं, आप चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते। अक्सर आपने सुना होगा ऐसे, हमारी मम्मी, दादी, नानी, बहुत सारे फ्रेंड्स, वेल विशर्स कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए, प्लीज आप चाय कॉफी मत पीना क्योंकि उसमें कैफीन होता है। ऐसा नहीं है। चाय कॉफी लवर्स के लिए मैं बता दूं कि आप चाय कॉफी पी सकते हैं लेकिन इन लिमिट वे, यानी अगर आप मान लीजिए 5 से 6 कप, जो कि सही में सही नहीं है 5 से 6 कप पूरे दिन में चाय पीना, लेकिन अगर आप पीते हैं, आपको आदत है, इसको आपको थोड़ा लिमिट में लाना होगा। यानी आपको 200 मिलीग्राम कैफीन पर डे लेना है। लेना है मतलब ले सकते हैं, ठीक है। चाय कॉफी का तो चलिए ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हम इतने लिमिट में कैफीन की मात्रा अपनी बॉडी में ले सकते हैं। अब दूसरा मिथ आता है कि आप नॉनवेज या फिर फिश खा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल नॉनवेज और फिश खा सकते हैं, फिर वही बात, इन लिमिट वे, क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन, कैल्शियम और कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारे बेबी को उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तभी आप नॉनवेज खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसकी पूर्ति आप, जैसे प्रोटीन की पूर्ति हम पनीर से कर सकते हैं और कैल्शियम दूध के थ्रू कर सकते हैं, मतलब नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन इन लिमिट वे। सेकंड थिंग कि फिश खा सकते हैं या नहीं, फिश भी आप खा सकते हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लो मर्क्यूरी फिश ही आपको खानी है, यानी हाई मर्क्यूरी फिश आपके बेबी के लिए और आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए जब भी आप फिश खरीदने जाएं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फिश मार्केट या फिश शॉप से ही खरीदें। आप बहुत ज़्यादा उनको साफ सफाई का, यानी हाइजीनिक का ध्यान रखें, साथ ही आपको अच्छे से धोना है, नॉनवेज हो या फिश हो। अब आती है बारी थर्ड मिथ की, यानी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब आपको खाना अच्छा खाना है। ऐसा नहीं है, आपको खाना डबल बिल्कुल नहीं खाना। एक होता है ना कि सब लोग बोलते हैं कि अब आप प्रेग्नेंट हो, अब आपके अंदर एक बच्चा पल रहा है, आपको डबल खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना खाना है। नहीं मम्मीज, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ जाएगा तो आगे चल के, यानी डिलीवरी के टाइम आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आपके बच्चे को डिलीवर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए डबल खाना नहीं खाना। हाँ, हमें एक्स्ट्रा खाना खाना है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, साथ ही विटामिन्स चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा खाने के थ्रू वो अपने अंदर पहुंचाने हैं, अपने बेबी के, बेबी तक पहुंचाने हैं। साथ ही अगर आपको, मान लीजिए आप 1000 कैलोरीज प्री प्रेगनेंसी में लेती हैं, यानी आप नॉर्मल वे में 1000 कैलोरीज पर डे ले रही हैं, यानी अब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो आपको 400 से 500 कैलोरीज अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। आप जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगे आपका बेबी भी उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा। ये तो बहुत बड़ा गलत मिथ है, यानी बहुत ये चीज़ सही नहीं है। आप जितनी हेल्दी होंगी, हेल्दी और वेट गेन में बहुत अंतर होता है मम्मीज। देखिए, हेल्दी होना अच्छा होता है लेकिन वेट गेन करना ये सही नहीं होता। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हैं तो आपके बेबी के लिए ये सही नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा वेट गेन करेंगी तो आपको शुगर होने का भी खतरा होगा, आपको बीपी की भी प्रॉब्लम होगी, साथ ही आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि डिलीवरी के टाइम आपके बच्चा जब हो रहा होगा, डिलीवर आप उसे कर रही होंगी, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसीलिए हमें वेट गेन नहीं करना है, मतलब वेट गेन करना है लेकिन इन अ हेल्दी वे,
हेल्दी वे में हमें वेट गेन करना है, और इतना ज्यादा नहीं कि भाई हमने एकदम ही इतना वेट बढ़ा लिया। ऐसा नहीं है कि बच्चा भी आपका हेल्दी ही होगा, आप वेट गेन कर रही हैं, आप अपने बेबी का वेट गेन नहीं कर रही हैं। ये कंफ्यूजन होती है कि मैं अगर मान लीजिए 50 किलो की हूँ और प्रेगनेंसी में 60 किलो की हो गई हूँ तो मेरा बच्चा भी अब इतना और ज्यादा हेल्दी हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसीलिए आपको हेल्दी वे में वेट गेन करना है, ठीक है। अब फिफ्थ और लास्ट एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा सबकी मम्मीज ने फेस किया होगा या कर रही होंगी कि भाई केसर खाओ बच्चा गोरा पैदा होगा। ऐसा नहीं है, केसर खाने से या किसी और चीज खाने से बच्चा गोरा या काला नहीं होता। पहली बात कि बच्चा आपका है, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, आप जिस स्किन टोन के होंगे, उसके फादर जिस स्किन टोन के होंगे, या आप उसके नाना नानी दादा दादी या उसके बिल्कुल इन ब्लड रिलेशन जिस स्किन टोन के होंगे, बच्चा उन्हीं पे जाएगा। ये नहीं कि केसर खा लो जी बच्चा गोरा होगा, ऐसा नहीं है मम्मी। ये अपने दिमाग से मिथ हटा दीजिए, कोई भी चीज़ खाने से बच्चा गोरा या काला या जो भी है वो नहीं होता। खैर हम लोग नहीं मानते गोरा काला, भाई बच्चा अपना है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, कोई कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए आपको इन 5 मिथ्स का बहुत ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है, आप चीज़ें अगर अपने तक पहुंचा रही हैं मम्मी, फिल्टर करके पहुंचाइए, यानी फैक्ट्स आपके पास हो, क्या बोलते हैं, आपके पास सबूत हो, तभी इन चीज़ों पे आप यकीन कीजिए। आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं कीजिए, अपने डॉक्टर के परामर्श ज़रूर लीजिए। कुछ भी डाइट में इंक्लूड कर रही है अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इसको लाइक करें और NBT Life को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।